रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस परिवारों का आंदोलन है। आज आपको बता दें, पुलिस परिवारों को नहीं दी गई है धरने की अनुमति। साथ ही कलेक्टर से मांगी गई थी अनुमति, राजधानी पहुंचने से के चारों एंट्री स्थलों पर फोर्स तैनात कर दिया गया है, तो फिर भी गिरफ्तारी होगी। और कांग्रेस और जोगी कांग्रेस पुलिस परिवारों के समर्थन में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिलीप साहू जुड़ चुके हैं। जी दिलीप, आज पुलिस परिवारों का आंदोलन है, प्रशासनिक तौर पर देखें क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस पूरे हंगामे, इस पूरे प्रदर्शन को विफल करने की? जी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद कर दिए गए हैं पूरे राजधानी के चारों तरफ, जिसमें एंट्री पॉइंट है, खासकर जैसे रायपुर की पहुंच मार्ग जितने हैं, जैसे इस दुर्ग तरफ से आने वाले शहर कुम्हारी का जो बाईपास करता है, वहां पर पुलिस की पूरी टीम तैनात की गई है। यहाँ महादेव घाट क्षेत्र में अमृतेश्वर के पास तैनात की गई है, उधर संतोषी नगर और इसी तरह तेली बांधा की तरफ जो आने वाले ये हैं, तो सारे एंट्री पॉइंट पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कॉलोनियों में भी पुलिस की बड़ी तैनाती की गई है। और उनके आंदोलन को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और सारे प्रशासन एकजुट हो गए हैं। पुलिस परिवार, आपको बता दें कि ये जो पूरी ये थी पुलिस परिवार का आंदोलन है, इसमें मुख्य रूप से सीएम हाउस घेरने की तैयारी कर रहे थे लोग, तो इसको रोकने के लिए लगातार बैठके और कल दौर चला है। पुलिस परिवार के जो आंदोलन रखे इन लोग कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिए थे कि उन्हें आंदोलन करने के लिए जगह और उसका दिया जाए, समय दिया जाए धरने के लिए, उनको रायपुर पहुंचने की अनुमति मांगी थी। लेकिन कलेक्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया बैठकों के बाद कि उन्हें किसी तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी धरना प्रदर्शन के लिए। उसको रोकने के लिए रात से ही सभी पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें तो लगातार जो कांग्रेस या इनसे समर्थित लोग हैं, इनको भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई है आंदोलन का समर्थन कर। दंतेवाड़ा में विधायक देवती कर्मा और उनके जो बेटी है वो मिलने जा रहे थे पुलिस परिजनों, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रायपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय पुलिस लाइन में स्थित पुलिस परिजनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सभी जगह गिरफ्तारियां थी। जी दिलीप, लेकिन देखा जाए क्योंकि युवा जो संगठन है उसकी तरफ से भी, युवा मंच के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी समर्थन मिल रहा है, साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है, और वहीं सरकार एक और कह रही है कि वो सभी मांगों को लेकर बहुत ही गंभीर है, तो क्या लगता है अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी तक जो बयान आ रही है, सीएम साहब ने बयान दिए हैं कि उनकी मांगों को क्या करेंगे। गृहमंत्री के बयान की तुलना करें तो वो उनके जस्ट अपोजिट है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई मांग पूरी नहीं की जाएगी और उनको अनुशासन में रहना है, और जो नियम कायदे हैं उनके बारे में, उनकी मांगों को लेकर और उनकी सारी सुविधाओं को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क है, और उनको जो पर्याप्त सुविधाएं दी जानी है वो नियमता दिया जाएगा। इसको लेकर ये पुलिस परिजन ही चाहते हैं कि उनकी मांगों पर एक ठोस आश्वासन मिले और कब तक पूरी की जाएगी, इसको लेकर भी एक जवाबदेही तय हो। इस सारी चीजों को लेकर लगातार सरकार को घेरने है, और इसको इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी दूसरे दल भी, कांग्रेस सभी दल भी उनके समर्थन में आ गए हैं और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। जी दिलीप, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।